केवल तीन चीज़ों से बना हुआ ये चूर्ण बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही कारगर है। जिसकी भी पाचन शक्ति कमज़ोर है, पाचन शक्ति को बढ़ाएगा, आंतों को शक्ति देगा। अगर आंतें कमज़ोर हैं तो जिनके गैस बनती है वो गैस नहीं बनने देगा, गैस नहीं होगी, और ब्लड प्रेशर नॉर्मल करेगा, चाहे वो हाई हो चाहे वो लो हो। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमने लेना है जीरा। जो खाने वाला जीरा होता है, किचन में तड़का वगैरह जो हम लगाते हैं, वही जीरा है ये। मात्रा जो बताऊं वही रखना, उसी अनुपात में आपने बनाना है। तो 250 ग्राम हमने लिया है जीरा। अब दूसरी चीज है धागा मिश्री। सभी चीजें मैं आपके सामने ही तोल कर दिखाती हूं, ताकि आप इसी अनुपात में और बराबर आप वजन के हिसाब से हर चीज को ले सकें। मिश्री लेनी है आपको 300 ग्राम। धागा मिश्री है ये, जिसमें धागा होता है। अब मिश्री को हम पीस कर एक साइड रख लेंगे। अब लेनी है हमने काली मिर्च। किसी भी काली मिर्च मत लेना, साबुत ही आपको लेनी है, 50 ग्राम। अब जीरे को हमने हल्का सा गरम करना है। जिनके पास गैस नहीं है वो बच्चे भी इस चूर्ण को बना सकते हैं। इसको धूप दिखा कर भी, जीरे को आप धूप दिखा कर भी यूज कर सकते हैं, यानी धूप में थोड़ी देर रख देंगे। जीरे की नमी हमने निकालनी है, जीरे को भूनना नहीं है, बस गरम करना है। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जीरे को केवल हमने गरम करना है, ताकि ये आसानी से बारीक पिस जाए, भूनना नहीं है। हाथ से छुओगे तो गरम होना चाहिए। अब इसी में हम डाल देंगे काली मिर्च। काली मिर्च को भी थोड़ा सा हम गरम कर लेंगे। हम इसलिए इसको गरम कर रहे हैं ताकि ये आसानी से बारीक पिस जाए, जीरा भूनना नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। गैस को कर देंगे बंद, और इसको हमने ठंडा नहीं करना है, गरम गरम ही हमने मिक्सी में पीसना है। हमने इसीलिए गरम किया था इसको, ताकि ये आसानी से बारीक पिस जाए, पाउडर बन जाए। तो गरम गरम को ही हमने डाल दिया। अब हम इसको पीस लेंगे, काली मिर्च और जीरा। अब पीसने के बाद जो भी आपके पास बारीक छन्नी हो, बारीक छन्नी से हमने इसको छानना है। क्योंकि जीरा आप जितना मर्जी बारीक पीस लीजिए, पर उसके जो कण हैं एक बार में नहीं पिसते हैं, तो इसको छानना जरूरी है। जो भी बारीक छन्नी हो आपके पास, उससे आप छान लेना। अब देखिए, ये जो जीरे के कण आप देख रहे हैं, इनको हमने फिर दोबारा पीसना है। इसीलिए कहा कि छानना बहुत जरूरी है। अब इनको भी पीस लेंगे। अब इसको भी हमने पीस लिया और इसको छान लेंगे। वीडियो को स्किप ना करके फास्ट करके देख लेना, हाई स्पीड पर, तो 6 मिनट की वीडियो 3 मिनट की रह जाएगी। बस ये छान लिया। अब इसमें हम मिला देंगे पिसी हुई मिश्री।
धागा मिश्री ही लेनी है और कुछ नहीं चलेगा इसमें। या तो देसी खांड मिल जाए तो ले सकते हैं, पर खांड ओरिजिनल बहुत मुश्किल से मिलती है, नकली खांड होती है। वो चीनी में गन्ने के रस का स्प्रे करके उसको बना देते हैं, उसको खांड बोलते हैं, तो वो वाली खांड नहीं चलेगी इसमें। तो आप धागा मिश्री ही लेना, ऑनलाइन आसानी से मिल जाती है अगर आपके आसपास ना मिले तो। अब अच्छी तरह से मिश्री को हमने मिला दिया है। अब इसका सेवन कैसे करना है? इसका सेवन आप कभी भी कर सकते हैं, खाली पेट ले सकते हैं, खाना खाने के बाद ले सकते हैं, दिन में दो बार लेना है। ये टीस्पून है मेरे पास, तो दो टीस्पून आप एक खुराक, इसको समझिएगा दो टीस्पून की एक खुराक हो गई, तो यानी दिन में चार टीस्पून आप इसको ले सकते हैं। और इसको गर्भवती महिलाएं भी ले सकती हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। बस शुगर के जो पेशेंट हैं वो ना लें, क्योंकि इसमें मिश्री है, तो शुगर के पेशेंट के लिए ये जो चूर्ण है ये नहीं है। और एक बार बना करके आप इसको रख लीजिए, 5-6 महीने आसानी से ये चल जाएगा, रूम टेम्परेचर पर ही चल जाएगा। फ्रिज में रखना चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, पर ये खराब नहीं होगा। बच्चों को देना चाहें, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मीठा है, और जो चूर्ण होते हैं बड़े कड़वे वगैरह बनते हैं, हरड़ वगैरह से बनाते हैं, तो मीठा चूर्ण है, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। पेट की सभी समस्याओं के लिए चूर्ण बहुत ही लाभदायक है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।